नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बॉलीवुड की जो पार्टियां होती है वो काफी मतलब एक लेट नाइट पार्टी होती है, काफी चर्चा में रहती है, चाहे वो पहले का दौर हो चाहे आज का दौर हो। और ज्यादातर स्टार्स है वो इन पार्टियों में शिरकत करते हैं। अक्षय कुमार जैसे, सनी देओल सर जैसे दो चार कलाकार को आप छोड़ रहे तो वो अफवाह है, बाकी इन पार्टियों का हिस्सा रहते हैं। तो कुछ ऐसी ही पार्टियों की, बॉलीवुड पार्टियों की याद ताजा की है एक हमारे हमारे पुराने सुपरस्टार विलेन रणजीत सर ने। या दोस्तों, रणजीत सर जो कई फिल्मों में मतलब विलेन की भूमिका निभा चुके हैं, और क्या जबरदस्त खतरनाक विलेन हुआ करते थे, जिसमें प्राण साफ थे, प्रेम चोपड़ा सर थे, और रणजीत सर उनका भी नाम था, अमरीश पुरी, तो उस समय के विलेन थे। उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ANI को दिया शायद इंटरव्यू, उसमें उन्होंने पार्टियों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 1970 के जो दशक था उस दौरान सुपरस्टार राजेश खन्ना भी काफी पार्टियों में हिस्सा कर लेते थे, और उनका ये भी कहना है कि जो उनका घर था वो जुहू में था और उनके पेरेंट्स दिल्ली में दिल्ली में रहते थे, तो वो सेंटर में था मुंबई के, तो उन्हीं के घर पे ज़्यादातर ये पार्टियों का आयोजन होता था। और उन्होंने ये भी कहा कि राजेश खन्ना उस समय एक एक दो दो बोतल पूरी रात में पी जाते थे। और उन्होंने कहा कि इनको जो प्रवीण बॉबी है वो उनको ये शराब सर्व किया करती थी, पैक बनाया करती थी। मौसमी चटर्जी है वो भी दोस्तों वहाँ पे आया करती थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मौसमी चटर्जी, नीतू सिंह है, और उन्होंने कई अभिनेतियों का नाम बताया जिनमें से फिश बनाती थी शायद मौसमी चटर्जी, बहुत ही अच्छी फिश बनाया करती थी, और जो नीतू सिंह है वो भी मतलब काफ़ी अच्छी सब्जियाँ वगैरह बनाया करती थी। इस तरह की बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने इतना कहा कि इतना ही नहीं, मतलब उस समय केवल राजेश खन्ना साहब ही नहीं आते थे उनके घर पे पार्टी करने के लिए, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त साहब, राजकुमार, और दोस्तों फिरोज खान, संजय खान, यहाँ तक कि धर्मेंद्र, ये सभी स्टार उनके घर पर पार्टियाँ करने के लिए आते थे, और पूरी रात भर ये पार्टियाँ चलती रहती थी और वे उन मेहमानों का स्वागत करते थे। हालांकि रणजीत सर ने यह भी कहा कि उनको चाहे फिल्मों में कितना ही बुरा दिखाया गया हो, कितना ही बुरा विलेन दिखाया गया हो, कितनी ही शराब पीते हुए दिखाया गया हो, लेकिन रियल जिंदगी में वे शराब नहीं पीते, उन्होंने कभी शराब की एक बूंद भी नहीं पी है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। कितना सच है कितना नहीं है ये तो आप जाने, लेकिन उन्होंने ये जरूर मतलब कहा है कि बड़े बड़े सारे स्टार्स हैं वो उनके घर पे देर रात तक पार्टियाँ किया करते थे, उनकी वो मेहमान नवाजी करते थे, उनकी उनका ध्यान रखते थे, उनकी पार्टी का अरेंज करते थे, और सभी कलाकारों से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से मतलब रणजीत साहब की बात को लिया जाता है। खैर, जो भी है उन्होंने ऐसा खुलासा किया, और ये तो आम है आजकल भी, मतलब आप देखोगे तो ज़्यादातर जो स्टार्स होते हैं वो उनकी पार्टी चलती रहती है, लेट नाइट पार्टी बॉलीवुड में आम है। कुछ स्टार्स नहीं जाते, इसका जिक्र मैंने शुरू में किया, जैसे अक्षय कुमार, संजय देओल सर, ये ज़्यादातर पार्टियों से अवॉइड करते हैं। बाकी कलाकार है वो पूरी रात भर करीब पार्टियाँ इनकी चलती रहती है, तो पार्टियों में क्या क्या होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये खबर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि पुराने स्टार्स के बारे में रणजीत सर ने इतनी जानकारी दी है। तो आप बताइएगा आपको ये खबर कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।